साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के गोरबंद इलाके में शनिवार को अपहरण मामले को लेकर बरहेट पुलिस की टीम जांच में गई हुई थी। वहीं उसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिस क्रम में बरहेट एएसआई चंद्राय सोरेन के पेट में गोली लग गई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही बरहेट थाना प्रभारी हरीश कुमार पाठक भी इस मुठभेड़ में अपराधियों ने बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया और मौके से सभी अपराधी गाँव के रास्ते भाग निकले। वही आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां एएसआई को प्राथमिक इलाज कर उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। वही बरहेट थाना प्रभारी का इलाज साहिबगंज सदर अस्पताल में ही किया जा रहा है। वही घटना की जानकारी मिलते ही संथाल परगना के डीआईजी व जिला के एसपी सदर अस्पताल पहुंचे और उनके समक्ष इलाज करवाया गया, परंतु एएसआई की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे रांची के रिम्स में इलाज के लिए रेफर किया गया। वहीं उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डीआईजी के माध्यम से राज्य सरकार को सूचना दी गई। राज्य सरकार से बात करने के बाद हेलीकॉप्टर भेजी गई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से घायल पुलिस पदाधिकारी को एयरलिफ्ट कराया गया। रांची में इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मोहन पासवान के साथ एक कंपाउंडर छोटू कुमार को साथ ले जाया गया, ताकि पेशेंट की सही से देखभाल होता रहे। वहीं मामले को लेकर एसपी ने बताया, ये मामला ये है कि जो पिछले विगत दिनों बोरियो थाना में अरुण शाह की किडनैपिंग हुई है, पुलिस उसी ब्रीफ के पीछे लगी हुई थी और हमारी टीम डीएसपी एसडीपीओ साहेबगंज के नेतृत्व में एक टीम रेड कर रही थी डुबू बथान एरिया में। और जब वो लोग अपराधी के बहुत करीब पहुंच गए, उसी वक्त अपराधी भागते वक्त एक फायर किए, जिसके कारण से हमारे जो एएसआई हैं चंद्राय सोरेन उनको गोली लगी है, जो अभी इलाजरत है। हमारा अभियान जारी है और हम लोग अभी उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं तथा जो अपहृत है उसको भी खोजने का बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई? अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, टीम से फिर फीडबैक आएगा तो हम लोग उसको स्पष्ट करेंगे। अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, जो एक गोली लगी है इनको, एक हथियार की बरामदगी की बात बताई जा रही है अभियुक्तों की, और दो तीन मोटरसाइकिल की बात है। वो सत्यापन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, जैसे अपडेट आएगा फिर आप लोगों को दिया जाएगा। पुलिस के पास और कोई? हम लोगों ने अभी इनके लिए एयरलिफ्ट करने का व्यवस्था किया है, रांची से चौपर आ रहा है और यथाशीघ्र हम लोग इसको बेहतर इलाज के लिए कुछ तरह चिकित्सा स्थान पर पहुँचाना सुनिश्चित। सर, पुलिस की ओर से और कोई कर्मी घायल हुए हैं? सर, अभी तक तो ऐसी बात नहीं है, एक और पदाधिकारी को हाथापाई में चोट लगने की बात आ रही है, लेकिन वो वैसे स्थिति में नहीं है, वो ऑपरेशन में अभी भाग ले रहे हैं।